ये है सिंपल वन, ये अभी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हैं गाइस। देखो थ्रॉटल हम दे रहे हैं और देखो बाइक स्कूटर पीछे जा रही है। देखो स्पीड, देखो स्पीड, देखो मैं इसकी मैक्सिमम स्पीड पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाव गाइस, वाव, देखो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मेड इन इंडिया एक इलेक्ट्रिक फास्ट टू व्हीलर के बारे में बताएंगे जिसका नाम है सिंपल वन। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ। ये है सिंपल वन जिसको सिंपल कंपनी ने बनाया है, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर को इन्होंने लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है गाइज, बहुत ही स्पोर्टी ये स्कूटर नज़र आती है। मैं आपको हर तरफ से दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये लगती है स्कूटर, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आपको क्या लगता है, इसका सामने से लुक देखो और इसका पीछे से लुक देखो, क्या ये थोड़ा सा एथर से मिलती जुलती है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। पहली नज़र में मैंने जब इसको देखा था तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये एथर का क्या बोलते हैं बिछड़ा हुआ भाई है, ऐसा कुछ मुझे फील हुआ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आप इस स्कूटर को किस तरीके से देखते हो। हैंडल बार के ऊपर कुछ इस तरीके का वाइजर आता है, सामने से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हेडलाइट आती है, बहुत ही शार्प लुक है सामने की तरफ। ये इसके इंडिकेटर्स हैं, DRL यहाँ पे लगे हुए हैं, मडगार्ड भी ये है और सामने की तरफ आप देख सकते हैं 12 इंच का व्हील आता है, पीछे की तरफ भी 12 इंच का व्हील आता है। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये जो स्विंग आर्म है कास्ट एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म दे रखा है, जिससे इसकी राइड में स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। पीछे और सामने दोनों ही तरफ डिस्क ब्रेक इन्होंने दे रखे हैं, तो ब्रेकिंग यहाँ पे तगड़ी मिलने वाली है, बाकी हम आपको चला के बताएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये इसका साइड स्टैंड है। अब यहाँ पे ओला में और एथर में जो साइड स्टैंड होते हैं वो बॉडी के साथ एकदम जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके का डिज़ाइन कहना चाहूँगा मैं इन्होंने फॉलो किया है। अब पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये जो बाइक, ये जो स्कूटर है इसमें भी बेल्ट ड्राइव सिस्टम आता है, मोटर भी काफ़ी तगड़ा है। और यहाँ पर ये जो कंपनी क्लेम करती है ये अब तक की फास्टेस्ट 0 to 40 किलोमीटर की स्पीड 3 सेकेंड से भी कम समय में पकड़ने वाली ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। पीछे की तरफ ये जो आप देख सकते हैं ये इसका ग्रैब रेल है, ये इसकी सीट है, सीट काफी ज्यादा चौड़ी है गाइस, मतलब मोटे मोटे लोग भी इसको बैठ के चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में अक्सर बूट स्पेस की बहुत दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे सिंपल वन में जो बूट स्पेस है ये काफी ज्यादा खतरनाक बड़ा बूट स्पेस इन्होंने दे रखा है। और यहाँ पे ये जो बैटरी है ये एक एक्स्ट्रा बैटरी है, एक्चुअली में इसकी बैटरी ये जो फ्लोर बोर्ड है इसके नीचे आती है, ये एक्स्ट्रा बैटरी भी इसको लगा के इसकी रेंज वगैरह को बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते। और यहाँ पे देख लो गाइस, इसमें आराम से फुल फेस हेलमेट के साथ बहुत सारा सामान आता है, सो काफी तगड़ा बूट स्पेस इन्होंने इसमें दे रखा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ अलग ही टाइप का मटेरियल लगा दिया है यहाँ पे इन्होंने, ये बाहर भी नहीं आ रहा है, तो ये अभी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हैं गाइस। देख लो अभी थोड़ा सा फिट एंड फिनिश में थोड़ी सी कमी है, जब ये स्कूटर पब्लिकली लॉन्च हो जाएगी तो शायद कंपनी इसको बेहतर कर देगी। तो भाई आप बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा ये कैट थीम पर इन्होंने बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बिल्ली के कान होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये थोड़ा सा नजर आता है। बाकी यहाँ पे बटन्स देख लो गाइस, काफी सारे यहाँ पे बटन्स आते हैं, जैसे कि विमान वगैरह में बटन्स होते हैं वैसे बटन्स बहुत सारे दे रखे हैं। अब मैं ऑन करके आपको इसका डिस्प्ले
दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कलर डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर अपने डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे व्हीकल का आपको स्टेटस देखने को मिलता है, कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस आपको कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, या फिर थीम वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन है यहाँ पे, ब्लूटूथ का भी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, कॉल मैसेजेस वगैरह आप इन सबको देख सकते हैं इस डिस्प्ले पर। अब यहाँ पे SOS सेटअप भी इन्होंने दे रखा है। अब ये जो है ये इमरजेंसी सेटअप है। अब ये व्हीकल ज्यादा समय के लिए हमारे पास रहेगी तो हम अच्छे से इन सारे फीचर्स का आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों ये सिंपल वन में रिवर्स मोड भी इन्होंने दे रखा है। वैसे थोड़ा हेवी स्कूटर है तो रिवर्स मोड दिया है तो इसका फायदा हम उठा सकते हैं। देखो थ्रॉटल हम दे रहे हैं और देखो बाइक स्कूटर पीछे जा रही है तो ज़्यादा स्पीड नहीं जा रही है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर की स्पीड में पीछे जा रही है। अब ये रिवर्स मोड को कट करना है तो यहाँ पे बटन दे रखे हैं, किसी को भी प्रेस कर दो और ये रिवर्स मोड कट हो जाता है। दोस्तों अभी हम इसको सीधे सोनिक मोड में चलाएंगे, इसके हाई परफॉर्मेंस वाले मोड पे। तो आ गए हम यहाँ पे सिंपल वन के ऊपर, डिस्प्ले भी ऑन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसके मोड को चेंज करेंगे गाइस। यहाँ पे ये इको पे है, अब हम इसके मोड को राइड, डैश और सोनिक पे ला लिए हैं। तो सोनिक पे आ गया है गाइस। फील करते हैं इसकी स्पीड को। तो सबसे पहले ब्रेक दबा के ये सेल्फ दबाना है तो ये अब आगे बढ़ने की कंडीशन में। वो भाई साहब काफ़ी तगड़ा पावर है यहाँ पे, क्या बात है गाइस, क्या बात है। बहुत ही शानदार टॉर्क यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, बहुत ही तगड़ा पावर है गाइस। खाली देखो आप यहाँ पे, फील करो ये 0 to 40 कितने सेकंड में जाती है। यहाँ पे लगभग 3 सेकंड से भी कम समय पे ये 0 to 40 पकड़ लेती है गाइस। तो मेरे साथ आप लोग काउंटिंग करो, 3 2 1 गो, 1 2 3 देख लिया आपने 40 की स्पीड, देखो कितने जल्दी पकड़ ली है। बहुत ही फास्ट है गाइस इसका एक्सेलरेशन, बहुत ही फास्ट है। मैंने ओला भी चलाई है, मैंने एथर भी चलाई है, हालांकि ओला की जो टॉप स्पीड है वो इससे ज़्यादा है, 115 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ पे इसकी जो टॉप स्पीड है ये 105 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका बहुत ज़्यादा तगड़ा है गाइस। ओला और एथर को ये पीछे छोड़ के आगे जाएगी, यकीन नहीं होता है तो किसी भी ओला और एथर ओनर को बुला लो साथ में और इसका एक ड्रैग रेस करके देख लो, आपको ही पता चल जाएगा किसका ज्यादा पावर है। पावर मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे जो इसका सीट का जो एंगल है ना गाइस, ये टोटल ऐसे वाला एंगल है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, चलाते समय मैंने क्या फील किया, जैसे पावर काफ़ी तगड़ा है और ब्रेक भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, दबाते ही स्कूटर रुक जाती है जगह पे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि ये इस तरीके से नीचे की तरफ है तो ऐसे पूरी बॉडी सामने की तरफ पुश हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो भाई अभी यहाँ पर इसका सोनिक मोड है ना, वो बैटरी जब भी 50% से ज़्यादा रहती है तभी वर्क होता है, 50% से बैटरी कम आ जाती है तो सोनिक मोड वर्क नहीं करता है, बाकी के 3 मोड्स वर्क करते हैं। रेड वाली व्हीकल में 50% तक आ गई है बैटरी तो उसमें सोनिक मोड नहीं चलेगा, तो हमने व्हीकल चेंज कर दी। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लाइट ब्लू वाला कलर है, थोड़ा सा ग्रे जैसा भी लग रहा है, सामने से ऐसी दिखती है, साइड से कुछ इस तरीके से दिखती है। अब ये जो है ना टेस्ट राइड व्हीकल्स है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, मजे लेते हैं ऐसे गाड़ियों के लॉन्च होने से पहले और गिरा भी देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तोड़ भी दी इन्होंने गाइज। ये जो स्कूटर है ये आपको 200 किलोमीटर की रेंज आराम से निकाल के देगी इको मोड में, क्योंकि आप देख सकते हैं 93% बैटरी यहाँ पे बची हुई है और यहाँ पे डिस्प्ले में आप देख सकते हैं 186 किलोमीटर की रेंज आराम से जाएगी ये इको मोड में। और यहाँ पे जैसे हम मोड चेंज करते हैं तो रेंज भी कम हो जाती है, राइड में स्पीड थोड़ी बढ़ती है, रेंज 148 हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डैश में 111 किलोमीटर की रेंज हो गई है और यहाँ पर सोनिक में 93% बैटरी के साथ 74 किलोमीटर की रेंज हो गई है। तो रेंज काफ़ी तगड़ी है यहाँ पे। अब जैसे कि इन्होंने अपनी मार्केटिंग की है इस व्हीकल के बारे में, रेंज ये 230 किलोमीटर समथिंग बताते हैं, लेकिन उतना तो मिलने वाली है नहीं गाइस, लगभग 200 किलोमीटर तक आपको मिल जानी चाहिए इस व्हीकल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मज़े से चलाते हैं ये कोन्स के बीच में। वाह, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है गाइस,
ऐसा स्कूटर्स में क्या होता है, अक्सर इस तरीके से लीन करते हैं तो कहीं कहीं स्कूटर्स तो ऐसा ही बेंड हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है। हालांकि एथर की भी स्टेबिलिटी अच्छी है, ओला मुझे उतना खास दिखा नहीं, ओला मुझे वैसे भी पसंद नहीं है यार गाड़ी, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू एथर। ओके गाइस, सोनिक मोड में और एक बार हम निकल चुके हैं। स्पीड देखो गाइस, तगड़ी स्पीड है, बहुत ही खतरनाक स्पीड है गाइस, बहुत सॉलिड स्पीड है। ये स्कूटर लेके तशन मारने में बहुत मजा आएगा। हाँ, वाव, खतरनाक टॉर्क है गाइस इसका, एक नंबर का टॉर्क है। देखो स्पीड, देखो स्पीड, देखो मैं इसकी मैक्सिमम स्पीड पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाव गाइस, वाव, देखा आपने कितनी स्पीड गई, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। भाई व्हीकल तो बहुत हाई स्पीड है, काफ़ी तगड़ी है, और जहाँ पे प्राइस पॉइंट की बात करेंगे तो 1,10,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस रहेगा। अब यहाँ पे 1,10,000 काफ़ी अच्छा प्राइस लगा, मैं ख़राब नहीं कहूँगा। 1,10,000 में आप सबको पता ही है कितने घटिया स्कूटर्स बिक रहे हैं इंडियन मार्केट में, लेकिन इसका प्राइस 1,10,000 काफ़ी तगड़ा रहेगा। अब यहाँ पे इनको ना थोड़ा सा ब्रेकिंग की सेफ्टी को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हाई स्पीड व्हीकल है गाइस, 100 की स्पीड 105 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है, तो यहाँ पे ABS होना ज़रूरी है इसमें, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ABS अगर रहेगा तो इसकी सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी तगड़ी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिट एंड फिनिश को बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनल गैपिंग वगैरह काफ़ी बड़ी, यहाँ पे गैप छूट गया, मेरा हाथ देख लो आप यहाँ पे, तो इतना सा स्पेस यहाँ पे मिलता है। हालांकि स्पेस काफ़ी तगड़ा है, पैर रखने में दिक्कत आपको नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे गैस का सिलेंडर अगर आ जाए ना तो बहुत बढ़िया है। मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है, लेकिन बहुत कंजस्टेड टाइट सिचुएशन में गैस का सिलेंडर आता है, क्योंकि घर के कामों के लिए भाई बहुत बढ़िया होगा अगर गैस का सिलेंडर यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो सिंपल वन के ऊपर। मुझे उम्मीद है सिंपल वन कंपनी मेरा फीडबैक लेके इस व्हीकल को और भी ज़्यादा बेहतर करेगी। बाकी यहाँ पे कंपनी नहीं है तो हो सकता है कुछ छोटे मोटे चीज़ें इसमें आपको डिफेक्टिव देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जब आएगा तब ये बहुत तगड़ा हो सकता है। सो वेट करते हैं जब तक ये व्हीकल रोड पर आती है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल या सुझाव हो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल सिंपल वन के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।